ये देखेंगे कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर मेंटल हेल्थ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चली जाऊँ कि मेंटल हेल्थ की प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स देखेंगे जो कि इस्लामिक एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी दोनों तरफ से आएंगे। सबसे पहला पॉइंट जिसको हम लोग को अपनी मेंटल हेल्थ की प्रोटेक्शन के लिए फोकस करना चाहिए वो है प्रेयर या माइंडफुलनेस। प्रेयर में हम लोग रोज़ाना अपनी सलात अदा करते हैं, अल्लाह ताला से बात करते हैं, उसके हजूर हाजिर होते हैं, लिव इन द मोमेंट। एंड माइंडफुलनेस में भी हम लोग यही कर रहे होते हैं कि लिव इन द मोमेंट। सो बेसिकली इस चीज़ को फॉलो करते हुए आप लोग अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा, रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, जिक्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बींग अ मुस्लिम। हम इस पर यकीन भी करते हैं कि जब हम अल्लाह ताला को याद करते हैं तो इससे प्योरिफिकेशन ऑफ सोल होती है। इसके अलावा जो थर्ड चीज़ जिस पर आप लोग फोकस कर सकते हैं वो आप लोग की पॉजिटिव थिंकिंग है। पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से ये कि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने आप लोग को अता की हैं उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जो चीज़ जिस लम्हे आप लोग के पास है, जो चीज़ आप लोग के पास नहीं है, दोनों सूरतों में आप लोगों को शुक्र अदा करने वाला होना चाहिए। ग्रैटिट्यूड चाहे आप लोग अल्लाह का अदा करें या फिर किसी शख्स ने आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ अच्छा काम किया है उसके लिए भी आप लोग को ग्रेटफुलनेस उसके लिए होना चाहिए। फोर्थ चीज़ जिसके लिए ऊपर हम लोग को फोकस करना चाहिए वो सेल्फ रिफ्लेक्शन, मुहासबा। मुहासबा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग की मेंटल हेल्थ की प्रोटेक्शन के लिए। कि जब आप लोग मुहासबा करते हैं तो सबसे पहले आप लोग अपनी सोच को देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप लोग की लाइफ में डिस्टर्बेंस कॉज कर रहे हैं। इसके अलावा सोच की वजह से ही आप लोग का एक्शंस आता है। जब आप लोग कुछ मोमेंट एट द एंड ऑफ द डे और द बिगनिंग ऑफ द डे यू कैन गिव सम टाइम टू योर सेल्फ, जिससे आप लोग अपने एक्शंस को और अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग को फॉरगिवनेस की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स बेसिकली होती हैं जो आप लोग किसी से रिवेंज की वजह से या फिर इनवे की वजह से आप लोग के अंदर आ जाती है। इसके अलावा आप लोग को हेल्दी लाइफस्टाइल पे फोकस करना चाहिए और इस्लामिक डाइटरी प्लान को लेकर चलना चाहिए। इसके अलावा हम लोग को ये फोकस करना चाहिए कि हम लोग अपने लाइफ में मौजूद स्ट्रेसर्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। बिकॉज व्हेन द मोमेंट यू रिकॉग्नाइज द स्ट्रेसर्स इन योर लाइफ डैट आर कॉजिंग स्ट्रेस, दैट इज़ द पॉइंट देन यू कैन कंट्रोल योर मेंटल हेल्थ, देन यू कैन मूव टूवर्ड द बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ। इसके अलावा फिर हम लोग ये देख सकते हैं कि रेजिलियंस, रेजिलियन नेवर एवर गिव अप। टूटना और टूट के दोबारा से संभलना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन गिव अप कर देना कोई ऑप्शन नहीं है। लाइफ में अल्लाह ताला ने भी आपको यही कहा है कि तवक्कल, पूरी लाइफ में जो आप लोग के साथ चीज़ चलती है वो तवक्कल है। एक तवक्कल ही है जो एक पर्सन को रेजिलिएंट बनाता है और तवक्कल की वजह से ही हमारी लाइफ में जितने भी मसाइल आते हैं हम उससे इजीली आगे मूव ऑन कर सकते हैं। जो हमारे पास एक और चीज़ है हम लोग कह सकते हैं प्रोफेशनल हेल्प। हम लोग को जब मेंटल हेल्थ सिकनेस होती है या फिर मेंटल हेल्थ इलनेस आती है तो हम लोग दूसरों से कंसल्ट नहीं करते। ये चीज़ नॉर्मलाइज नहीं है। इस चीज़ को हमें नॉर्मलाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि प्रोफेशनल हेल्प लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं जैसे आप लोग अपने एक दोस्त से बात करते हैं। प्रोफेशनल हेल्प लेना भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अपने दोस्त से बात करना। सिर्फ प्रोफेशनल हेल्प में ये होता है कि वो आप लोग को अकॉर्डिंग टू सम इंटरवेंशंस एक अच्छे तरीके से गाइड कर देते हैं। जिस तरह साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस में हम लोग पॉजिटिव इंटरवेंशंस को बहुत अच्छे तरीके से मेंटल हेल्थ में अप्लाई कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे आप लोग ने पूरे दिन में जो किया उसको लिखें, उसमें देखें कि कौन सी चीज़ ने आपकी लाइफ में किस चीज़ की तरफ लीड किया। लाइक अगर आप लोग की एक नेगेटिव अमल हो सकता है जो आप लोग को नेगेटिव थॉट की तरफ लेके जाएगा जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। सो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं, कुछ एलिमेंट हैं साइकोलॉजिकली एंड इस्लामिकली, एविडेंस बेस्ड एंड फैथ बेस्ड, जिसको हम लोग फोकस करते हुए अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। जिस तरह प्रेयर एंड माइंडफुलनेस, जिक्र, सीकिंग नॉलेज, पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, फॉरगिवनेस, हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रोफेशनल हेल्प, रिड्यूसिंग योर स्ट्रेसेस इन लाइफ, रेजिलियंस एंड तवक्कुल, एंड इंटरवेंशन फ्रॉम साइकोलॉजी। ये जो स्ट्रेटजीज है बेसिकली पॉजिटिव एंड इस्लामिक साइकोलॉजी की, और इन दोनों में बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ताकि हम अपनी मेंटल हेल्थ को एक अच्छे तरीके से वेलबींग की तरफ लेकर जा सकें।